मोहन यादव सरकार 233 करोड़ में नया विमान खरीदेगी। मोहन कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इंदौर में 1,11,00,000 पौधारोपण को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी। इसमें डेवलपमेंट भी किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा हर कॉलेज को 22 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसके लिए फंड देगी। घुमंतू और अर्ध घुमंतू वर्ग को सौगात, SC/ST के बराबर मिलेगी छात्रवृत्ति। बोकारो नदी पर सिंचाई योजना होगी शुरू। 3,310 हेक्टेयर जमीन पर होगा काम। 11 गांव के 10,000 से ज्यादा किसानों को फायदा। सरकार ने लिया नई जेलें बनाने का फैसला। कैदियों को रखने में हो रही दिक्कतों का होगा समाधान। बैठक में फैसला लिया गया कि विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू वर्ग को SC/ST से कम छात्रवृत्ति मिलती थी। जो छात्रवृत्ति इन वर्गों को दी जाती है, यही घुमंतू और अर्ध घुमंतू को भी दी जाएगी। साथ ही सीधे जिले में बोकारो नदी पर सिंचाई योजना शुरू होगी। 3,310 हेक्टेयर जमीन पर 11 गांव के 10,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 46 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि नई जेलें बनाई जाएंगी, ताकि कैदियों को रखने में हो रही दिक्कतों का समाधान हो सके। वहीं कैबिनेट ने विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट पर कनाडा की कंपनी से बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान खरीदने का फैसला किया है। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपए होगी। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के पास विमान नहीं, जो विमान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अभी हम लोग किराए पर ले रहे हैं और हमने एक इतना बड़ा राज्य है, हमारे पास स्वयं का विमान होना चाहिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, विमान नहीं होने के कारण जहां पहुंचना होता वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक राज्य का विमान होना चाहिए। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एक बॉम्बार्डिंग कंपनी है कनाडा की, बकायदा टेंडर से हुआ है और टेंडर और हमारे जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो लोग जो इसके विशेषज्ञ हैं, उन लोगों की कमेटी बनाकर और उन्होंने सुझाव दिया कि यह बॉम्बार्डिंग कनाडा के चैलेंजर 3500 जेट विमान मध्य प्रदेश शासन के लिए खरीदा जा रहा है। एक सीधी के अंदर वहाँ के ग्रामीणों की बहुत मांग थी कि वहाँ एक बोकारो नदी है, उसके ऊपर एक सिंचाई योजना प्रारंभ की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आए थे तो 46 करोड़ की है मात्र। 3,310 हेक्टर की प्रशासनिक स्वीकृति हम दे रहे हैं। इससे 11 गांव के 10,000 से ज्यादा कृषकों को लाभ मिलेगा। इंदौर में लगेंगे 55,00,000 पौधे, अब तक 10,00,000 पौधे लग चुके। 13 जुलाई से गड्ढे खोदने का होगा काम। 14 जुलाई को एक साथ 11,00,000 पौधे रोपे जाएंगे। पौधारोपण के लिए इंदौर नगर निगम ने दिए 10 करोड़। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में 55,00,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, अब तक 10,00,000 पौधे लग चुके हैं। एक दिन पहले 13 जुलाई की शाम 6 बजे से गड्ढे खोदने का काम शुरू होगा। 14 जुलाई को एक साथ 11,00,000 पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पौधे लगाने के लिए प्रशासन ने जनता से ही पौधे मांगे हैं, इसके बाद जन भागीदारी से पौधे आ रहे हैं। पौधारोपण के लिए 10 करोड़ रुपए इंदौर नगर निगम ने दिए हैं। इंदौर शहर में इसको लेकर 150 बैठकें की है। समाजों के नाम पर पौधारोपण, एरिया में वनों के नाम रख रहे हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 तारीख को गृह मंत्री जी इंदौर में एक वृहद वृक्षारोपण के मुख्य अतिथि की भूमिका अदा करेंगे। आप सभी को मालूम होगा इंदौर ने तय किया है कि हम 55,00,000 पेड़ लगाएंगे, तो वो वृक्षारोपण का कार्य तो चालू है। अभी लगभग हमारे यहाँ अभी तक पिछले 4 दिनों के अंदर 10,00,000 पेड़ लग चुके हैं और प्रतिदिन 1,00,000-1.5 लाख लोग अलग अलग लगा रहे हैं। पर 14 तारीख को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, एक साथ एक स्थान पर 11,00,000 पेड़ लगाएंगे 24 घंटे के अंदर। 13 तारीख को शाम को 6 बजे से गड्ढे खोदने का प्रारंभ
काम प्रारंभ हो जाएगा। रात भर गड्ढे खोदेंगे और सुबह 6 बजे से पेड़ लगाना प्रारंभ कर देंगे। 11 लाख पेड़ हम 12 घंटे में लगाएंगे, जिसमें इंदौर शहर के लाखों कार्यकर्ता लगेंगे जो कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे। विधानसभा में पेपरलेस वर्किंग की होगी पहल, एमपी में ई विधान परियोजना होगी शुरू। परियोजना में 23 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 50% राज्य और 50% केंद्र सरकार देगी। देश की 14वीं विधानसभा होगी एमपी। विजय वर्गीय ने बताया कि देश की सभी विधानसभा में पेपरलेस वर्किंग किया जाना है। इसी तारतम्य में एमपी विधानसभा में भी ई विधान परियोजना शुरू की जाएगी। इसमें 23 करोड़ खर्च होंगे और 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार देगी। देश की यह 14वीं विधानसभा होगी जो पेपरलेस वर्किंग में आ जाएगी। विधायकों को प्रशिक्षण देने का काम NIC द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना ग्रीन गवर्नेंस का बड़ा उदाहरण बनेगी। नेवा, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो। और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसमें 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो NIC के द्वारा बनेगा, प्रशिक्षण भी NIC के द्वारा दिया जाएगा। माननीय विधायकों को और कर्मचारियों को सबको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि देश के अंदर ये 13वीं या 14वीं विधानसभा होगी जहाँ जो पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के अनुरूप काम करेगी। ये ग्रीन गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। बंटवारे में मिले नर्मदा जल के पूर्ण उपयोग की तैयारी, बैठक में 7 परियोजनाओं को मंजूरी। महेश्वर ओमकारेश्वर समेत सभी को मिलेगा लाभ। 9,271 करोड़ रुपए की है 7 परियोजनाएं। अपने हिस्से का पूरा पानी लेगा एमपी। विजय वर्गीय ने बताया कि नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा जल का बंटवारा नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल ने 45 साल पहले एमपी और गुजरात के बीच किया था। इसमें एमपी के हिस्से में 18.25 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लिया जाना था, जिसकी 31 दिसंबर 2024 को अवधि खत्म हो रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने आज तय किया है कि किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए पानी का उपयोग भी बढ़ाया जाए। इसी के चलते कैबिनेट बैठक में 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से महेश्वर ओमकारेश्वर समेत सभी को लाभ मिलेगा। ये 7 परियोजनाएं 9,271 करोड़ रुपए की है। पहले से डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ 3% ही एमपी में उपयोग कर पाते थे, जबकि गुजरात अधिक उपयोग करता था। अब एमपी ने अपने हिस्से का पूरा पानी लेने का इंतजाम कर लिया है।